जय हिंद साथियों, मैं बबलू दाकर स्वागत करता हूं आप सभी का धरनीधर एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं समस्याग्रस्त मृदाओं के अंदर एक नई प्रकार की मृदा के बारे में चर्चा करने वाले हैं, और उस मृदा का नाम है अम्लीय सल्फेट मृदा, जिसको हम इंग्लिश के अंदर एसिड सल्फेट सोयल के नाम से जानते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में इसको हम ASS के नाम से जानते हैं। यहाँ पर AS का अर्थ अलग होता है और इंग्लिश के अंदर इसका अर्थ अलग होता है। तो यहाँ पर AS का अर्थ होता है एसिड सल्फेट सोयल के नाम से इसको हम जानते हैं। अब ये जो एसिड सल्फेट सोयल होती है, ये इसका निर्माण किस प्रकार से होता है, इसके अंदर किन तत्वों की प्रधानता होती है, साथ ही साथ में भारत के अंदर किन क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है, और ये कितने प्रकार की होती है, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है हमारे प्लांट जब हम प्रोडक्शन करते हैं या कल्टीवेशन करते हैं या फसलों का, तब उसके अंदर हमें इसका क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, उन सभी बातों के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम देख लेते हैं कि ये जो हम समस्याग्रस्त मृदाएं पढ़ रहे हैं ये किन विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये हम बात करें कृषि विभाग की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उन सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बात करें JET हो गया, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर होगा, AFO हो गया, AA हो गया, या फिर A हो गया, या फिर AARO हो गया, इन जितने जहाँ जहाँ पर भी एग्रीकल्चर के अंदर सोयल साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ में हम बात करें राजस्थान के अंदर और जो जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, चाहे वो रीट हो गया, पटवार हो गया, कांस्टेबल हो गया, या फिर वन रक्षक हो गया, वनपाल हो गया, उन सभी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो समस्याग्रस्त मृदाओं का जो क्षेत्रफल है वो तुलनात्मक रूप से हम अदर स्टेट की बात करें तो उनसे कई मात्रा में ज़्यादा है, क्योंकि राजस्थान के अंदर शुष्क या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर हम एरिड क्लाइमेट पाया जाता है, यानी शुष्क जलवायु पाई जाती है। तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पर हमारे लवणीय व क्षारीय मृदाओं का निर्माण सबसे ज़्यादा होता है, और साथ ही साथ में हम बात करें यहाँ पर मृदा अपरदन जो होता है वो भी वायु के द्वारा सबसे ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर राजस्थान के अंदर पाया जाता है। तो उसी कारण से ये इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उनमें से हम पढ़ने वाले समस्याग्रस्त मृदाओं के अंदर आज पढ़ने वाले हम अम्लीय सल्फेट मृदा के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या होती है इसके बारे में हम आज विस्तार से एनालिसिस करते हैं। तो आप भी अपने साथ में कॉपी पेन लेकर प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ताकि आपको भी इसके बारे में अच्छे से एक बार में आपको मटेरियल अवेलेबल हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम अम्लीय सल्फेट मृदा। अम्लीय सल्फेट मृदाओं को पढ़ने से पहले हम जो अम्लीय मृदा के बारे में जो हमने पहले का दो सेशन के अंदर पढ़ा था उसमें से दो चीज़ें छूट गई थी, उन चीज़ों के बारे में देख लेते हैं। तो वो उनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, दोनों प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें अम्लीय मृदा की, ये अम्लीय मृदा किस प्रकार से बनती है, कितने प्रकार की होती है, इनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, वो सभी के बारे में मैंने ऑलरेडी इस पर सेशन बना वीधियो बना दिया है, और हमारा जो चैनल है धरनीधर एग्रो क्लासेज इस पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अगर आप चाहते हो तो वहाँ जाकर इसको प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हो, अच्छे से प्रॉपर नोट्स बना सकते हो। हम बात करें यहाँ पर अम्लीय मृदा की, तो अम्लीय मृदा के अंदर दो प्रश्न छूट गए थे जो मैंने आपको कवर नहीं करवाए थे। पहला प्रश्न आता है अम्लीय मृदा में जो उगने वाले जो वृक्ष होते हैं, वो अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे, अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधों को किस नाम से जाना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर सीधे सीधे वन लाइन के अंदर प्रश्न पूछा जाता है। और एक आता है अम्लीय मृदा का जो हम सुधार जो करते हैं, अम्लीय मृदा जो होती है उसका सुधार हम किसके माध्यम से करते हैं। जनरली मैंने इसके लिए आपको चार माध्यम बताए थे, एक बताया था मैंने समूचे जल निकास के माध्यम, प्रतिरोधी फसलों के माध्यम से बताया था, एक मैंने बताया था यहाँ पर आपको चुने वाले पदार्थों या फिर रासायनिक पदार्थों के माध्यम से कर सकते हैं, और एक मैंने बताया था आपको क्षारीय उर्वरकों के उपयोग से हम कर सकते हैं। लेकिन उसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो होता है हमारे जो रासायनिक सुधार होता है उसके माध्यम से हम अम्लीय मृदा का सुधार करते हैं। तो उसके अंदर हम किसका उपयोग करते हैं, चूना या फिर चुने वाले पदार्थों का उपयोग करते हैं, और अगर चूने में पूछा जाए तो हम मेनली किसका उपयोग करते हैं, CaCO3 का करते हैं, जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं, और इसका जो तुल्यांकी जो भार होता है या फिर हम कह सकते हैं उदासीनीकरण मान जो होता है वो कितना होता है, 100 होता है। किस प्रकार से निकाला जाता है इसका मैंने आपको जो हमने जब अम्लीय मृदा पढ़ी थी तब मैंने आपको इसके बारे में डिटेल से वहां पर बता दिया था, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं इन दोनों प्रश्नों की, तो ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है कि प्रश्न पूछा जाता है कि अम्लीय मृदा में उगने वाले वृक्षों को किस नाम से जाना जाता है, या फिर अम्लीय मृदा के अंदर जब कभी भी हम कल्टीवेशन करते हैं या फिर फसल लगाते हैं तो उन फसलों को किस नाम से जाना जाता है। तो उन फसलों को मुख्य रूप से साथियों यहाँ पर हम उनको हम जो अम्लीय मृदा जो होती है उनका अंदर उगने वाले जितने भी पौधे होते हैं, चाहे वो वृक्ष हो, हमारे फसल हो या फिर घास हो, कोई भी किसी भी प्रकार की वनस्पति हो, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम ऑक्सेलोफाइट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ऑक्सेलोफाइट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ऑक्सेलोफाइट के नाम से जानते हैं। ये टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम से सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि ऑक्सेलोफाइट क्या है। तो अम्लीय मृदा में उगने वाले जो वृक्ष होते हैं या फिर वनस्पति होती है या फिर फसलें जो होती है उनको हम ऑक्सेलोफाइट के नाम से जानते हैं। तो फिर हो सकता है एग्जाम के अंदर आपसे प्रश्न ये घुमा फिरा के पूछ ली जाए कि अम्लीय मृदाओं का सुधार हम किन के माध्यम से कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था प्रतिरोधी फसल उगाकर हम कर सकते हैं, तो वहाँ पर प्रतिरोधी फसल ना देकर वहाँ पर हो सकता है आपको शब्द दे दिया जाए ऑक्सेलोफाइट के माध्यम से हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो वो आपको कथन और व्याख्यान के रूप में दे दे, तो आपको वहां पर इसमें देखना होगा, ठीक है ना। तो पहला तो हो जाएगा अम्लीय मृदा में उगने वाले जो वृक्ष होते हैं
उनको हम ऑक्सेलोफाइट के नाम से जानते हैं। दूसरा आता है जब हम अम्लीय मृदा का सुधार जब चूने वाले पदार्थों से करते हैं तब ये जो चूने वाले जो पदार्थ होते हैं इनकी मात्रा किस विधि से ज्ञात की जाती है, इनकी मात्रा किस विधि से ज्ञात की जाती है। तो जब भी हम चूने वाले पदार्थों का उपयोग करते हैं तो उनकी मात्रा ज्ञात करने के लिए हम एक विधि का उपयोग करते हैं और उस विधि का नाम है सुमेकर विधि। क्या नाम है उस विधि का? सुमेकर विधि। अब ये सुमेकर विधि से किस प्रकार से निकाला जाता है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये किस विधि से, विधि का नाम पूछा जाता है कि चूना वाले पदार्थों की जो मात्रा होती है किस विधि से ज्ञात की जाती है, सुमेकर विधि से ज्ञात की जाती है। और ये सुमेकर क्या होते हैं, वैज्ञानिक का नाम है, इनके द्वारा ये इसके बारे में बताया गया। तो सबसे पहले इसी कारण से उन्हीं के नाम के आधार पर इस विधि को सुमेकर मेथड के नाम से जाना जाता है। और ये जो सुमेकर वैज्ञानिक थे इन्होंने ये जो मेथड है ये कब इंट्रोड्यूस करवाया था, तो ये करवाया था 1961 के अंदर ये इंट्रोड्यूस करवाया था। तो ये हमें तीन बातें पता होनी चाहिए, कौन कौन सी। सबसे पहले अम्लीय मृदा में उगने वाले वृक्षों को हम ऑक्सेलोफाइट के नाम से जानते हैं। नंबर सेकंड हो जाएगा अम्लीय मृदा का सुधार हम चूने वाले माध्यम चूने वाले पदार्थों से करते हैं, मेनली पूछा जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट के माध्यम से करते हैं, ठीक है ना। और इसकी आवश्यकता हम 100 किलोग्राम की आवश्यकता होती है। अब यदि हमें चूने की मात्रा ज्ञात करनी है तो उसके लिए कौन सी विधि का उपयोग करते हैं, हम तो सुमेकर विधि का उपयोग करते हैं। और सुमेकर जो विधि है ये किसने दी थी, तो सुमेकर वैज्ञानिक ने दी थी। और कब दी थी, तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था 1961 में इंट्रोड्यूस करवाया था। ये मुख्य रूप से दो तीन बातें हमको पता होनी चाहिए, इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं अम्लीय सल्फेट मृदा के बारे में, हम चर्चा करते हैं कि इनका निर्माण किस प्रकार से होता है, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर हम देखते हैं अम्लीय सल्फेट मृदा के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम अम्लीय सल्फेट मृदा की बात करें तो इसका निर्माण किन क्षेत्रों के अंदर होता है या इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या होती है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन जो होती है उसको हम एक मैकेनिज्म यानी कि एक क्रियाविधि के माध्यम से समझते हैं, तो उसे आपको अच्छे से बेटर आसानी से आसान भाषा में समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये हमारा कोई फील्ड है, मान लीजिए ये कोई हमारा फील्ड है जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर जो जल है उसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि हम कह सकते हैं इसके अंदर जो जल जितना मृदा के अवशोषित करने की क्षमता होती है उससे कई गुना मात्रा में ज़्यादा इसके अंदर जल है इस मृदा के अंदर, ठीक है ना। इस मृदा के अंदर जल है और ये जो जल इस मृदा के अंदर जल है और इस मृदा के अंदर मुख्य रूप से हम कह सकते हैं जो सल्फाइड जो अयस्क है, सल्फाइड अयस्क की प्रधानता है, सल्फाइड अयस्क की इसके अंदर क्या है, प्रधानता है, यानी कि अधिकता है, प्रधानता है। ऐसी मृदा जिसके अंदर क्या होता है सल्फाइड अयस्क की प्रधानता अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब वो सल्फाइड अयस्क कई प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें मुख्य रूप से हम बात करें सल्फाइड अयस्क की बात करें तो कौन कौन से हो सकते हैं, तो एक तो हो सकता है Fe2S हो सकता है और एक हो सकता है H2S हो सकता है, ठीक है ना। ये दोनों हमारे मुख्य रूप से सल्फाइड अयस्क के रूप में इनको काउंट किया जाता है। इसको हम आयरन पाइराइटिस के नाम से जानते हैं, इसको हम हाइड्रोजन सल्फाइड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको, हम हाइड्रोजन सल्फाइड के नाम से जानते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट। अभी क्या होता है इसके बाद में थोड़ी देर बाद में हम चर्चा करेंगे, फिलहाल इधर सभी इधर ध्यान देना। ये हमारे एक लैंड हो गए जहाँ पर जल की मात्रा अधिकतम है उस मृदा के अंदर, और उस मृदा के अंदर सल्फाइड अयस्क की प्रधानता है, जो मुख्य रूप से दो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं हम Fe2 और H2S, ठीक है, इनकी प्रधानता है। अब हम क्या करेंगे, ये जो जल है इसको हम यहाँ से जो हमारा फील्ड है इसे हम इस जल को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, यानी कि बाहर निकाल देंगे। जैसे ही हम इस खेत को जैसे ही हम इस भूमि से या फिर खेत से हम पानी को बाहर निकालते हैं, तो ये जो हमारा सल्फाइड अयस्क जो होता है, ये सल्फाइड अयस्क वातावरण में मौजूद जो ऑक्सीजन होती है, जैसे ही हम पानी को मृदा से बाहर निकाल देते हैं, जल निकास के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं, तब जो सल्फाइड जो अयस्क जो होते हैं जो मृदा के अंदर पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, वातावरणीय जो ऑक्सीजन होती है उससे क्रिया करके एक अम्ल का निर्माण करते हैं। वातावरण के अंदर जो ऑक्सीजन पाई जाती है उसे रिएक्शन करके एक अम्ल का निर्माण करते हैं, और उस अम्ल का नाम होता है H2SO4। क्या नाम होता है, H2SO4 होता है। और इसी अम्ल के बारे में हमने कल भी पढ़ा था कि जिप्सम का उपयोग हम अम्लीय मृदा के सुधार के लिए क्यों नहीं कर सकते, तो उसका मैंने कारण बताया था, अम्ल का निर्माण होता है और उस अम्ल का नाम है H2SO4। और इसका जो पीएच मान होता है वो लगभग 2.5 से लेकर 3.5 के आसपास होता है, यानी कि हम कह सकते हैं इसका जो पीएच मान होता है वो बहुत ही कम होता है, और इसकी वजह से जो मृदा होती है वो क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। क्या हो जाती है, मृदा अम्लीय हो जाती है। इसका पीएच मान काफ़ी कम होता है, उसकी वजह से जो हमारी मृदा होती है वो क्या हो जाती है, अम्लीय बन जाती है। और ऐसी मृदाओं को हम किस नाम से जानते हैं, अम्लीय सल्फेट मृदा के नाम से जानते हैं। अब इसको हम कॉमन रूप से यहाँ पर अम्ल का निर्माण हो रहा था, तो हम इसको केवल और केवल सीधे रूप से अम्लीय मृदा के नाम से भी जान सकते थे, लेकिन इसको विशेष नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसके अंदर
जो हमारा अयस्क है, या फिर हम कह सकते हैं जो इसके अंदर जो सल्फर जो तत्व है वो हमारे मुख्य रूप से सल्फेट के रूप में पाया जा रहा है। इसी कारण से इसमें मुख्य रूप से सल्फर तत्व की प्रधानता अधिक होती है और इसी की वजह से यहाँ पर अम्ल का निर्माण होता है। इसी कारण से इसको विशेष नाम दिया जाता है, अम्लीय सल्फेट मृदा नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? अम्लीय सल्फेट मृदा नाम दिया जाता है। और ये सल्फेट यहाँ पर टर्म क्यों यूज में लिया गया है? क्योंकि इसके अंदर जो अम्ल का जो निर्माण हो रहा है वो किसके सापेक्ष हो रहा है? सल्फ्यूरिक अम्ल के सापेक्ष हो रहा है। यानी कि इसके अंदर जो सल्फाइड है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है? सल्फाइड में कन्वर्ट, सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है और जो अम्ल के रूप में इसके मृदा के अंदर पाया जाता है। इसी कारण से इसको अम्लीय सल्फेट मृदा नाम दिया जाता है। और ये जो मृदा होती है अम्लीय सल्फेट मृदा, ये जो दूसरी जो मृदा होती है अम्लीय मृदा, इसके बारे में हमने पहले भी बता रखा है कि ऐसी मृदा जिसका पीएच मान 7 से कम होता है, उस मृदा से काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं इसकी जो अवेबिलिटी होती है या फिर इसका जो नुकसान भौतिक दशा जो होती है वो जो दूसरी जो हमारे अम्लीय मृदा होती है नॉर्मल जो एसिडिक सॉइल होती है उससे वो उससे बहुत ही इसकी ख़राब इसकी कंडीशन होती है मृदा की। यानी कि ऐसी मृदा जिसके अंदर हमारा अमोनियम या अम्लीय सल्फेट मृदा या फिर हमारे सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रधानता ज़्यादा है, तो वहाँ की जो सॉइल होगी वो हमारे मुख्य रूप से जो अम्लीय मृदा होती है उससे उसकी प्रोडक्टिविटी, या फिर अगर ऐसी मृदा के अंदर फसल का उत्पादन लेंगे तो वहां पर फसल का उत्पादन बहुत ही कम मात्रा में होगा, ये मुख्य रूप से हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो उम्मीद आप सभी को इसकी परिभाषा समझ में आ गई होगी कि परिभाषा क्या होती है। तो ऐसी मृदा जिसके अंदर हमारे सल्फाइड अयस्क की प्रधानता पाई जाती है और जहां पर जो जल होता है अगर उस जल को हम बाहर निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं, जल निकास कर देते हैं, तो उसके बाद में जो सल्फाइड अयस्क होता है वो वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन होती है उससे क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं, जिसकी वजह से हमारी मृदा हो जाती है वो अम्लीय बन जाती है। और ऐसी मृदा को हम अम्लीय सल्फेट मृदा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अम्लीय सल्फेट मृदा के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर सल्फेट टर्म जो यूज में क्यों लिया गया है? क्योंकि इसके अंदर जो निर्माण होता है वो जो ये मृदा जो अम्लीय बनती है वो किसकी वजह से बनती है? सल्फ्यूरिक अम्ल की वजह से बनती है। इसी कारण से इसके अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल में हमारे सल्फेट तत्व पाया जाता है, इसकी वजह से हमारे इसके अंदर इसको अम्लीय सल्फेट मृदा के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है ना। ये इसके पूरा का पूरा इंट्रो होता है या इंट्रोडक्शन होता है कि ये किस प्रकार से बनती है, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर किन किन तत्वों की प्रधानता होती है। अम्लीय सल्फेट मृदा जो होती है इसके अंदर किन किन तत्वों की प्रधानता होती है? जैसे हमने बात किया था अम्लीय मृदा के अंदर हमने बात किया था तीन तत्वों की प्रधानता होती है, हाइड्रोजन की प्रधानता होती है, एल्यूमिनियम और मैग्नीज की प्रधानता होती है। उसी प्रकार इसके अंदर किन किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो इसके अंदर हाइड्रोजन आयन की तो प्रधानता होती है, साथ ही साथ में इसके अंदर H2S की प्रधानता होती है, और इसके अंदर मैग्नीज, इन तीनों तत्व की क्या होती है? प्रधानता होती है। इन तीनों तत्व की प्रधानता होती है, इन तीनों तत्व की प्रधानता होती है, यह मुख्य रूप से हमें पता होना चाहिए। और Fe2S की बात करें, Fe2S, ठीक है ना, यह अयस्क होता है, सल्फाइड का अयस्क होता है। इसी कारण से इसको किस नाम से जानते हैं? इसको पाइराइटिज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पाइराइटिज के नाम से जानते हैं, आयरन पाइराइटिज, ठीक है ना। तो प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि आयरन पाइराइटिज का निम्न में से सूत्र क्या होता है, तो वो होता है हमारा Fe2S होता है। इसको एक नाम और जाना जाता है, इसका दूसरा नाम जो होता है उसे मूर्खों का सोना कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है इसको? मूर्खों का सोना। मूर्खों का सोना किसे कहते हैं? जो हमारा आयरन पाइराइटिज जो होता है उसे हम मूर्खों का सोना के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो कई बार जब हमारे फैमिली मेंबर जो होते हैं वो सोना लेने जाते हैं, गोल्ड परचेज करने जाते हैं, तो कई बार ऐसा सुनने में आता है जो गोल्ड है वो बहुत सस्ता मिलता है, तो वो गोल्ड आखिर में वो और कोई नहीं होता है, वो आयरन पाइराइटिज होता है जो सोने की जगह काम करता है। इसी कारण से हमें मूर्ख बना दिया जाता है, इसी कारण से इसको मूर्खों का सोना के नाम से भी हम काउंट करते हैं। और H2S की बात करें तो इसको हम हाइड्रोजन सल्फाइड के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ पर आपने इसका बारे में धान के अंदर एक अक्यूयोची बीमारी का नाम सुना होगा, ये धान के अंदर आपने एक अक्यूयोची बीमारी का नाम सुना होगा, वो किसकी वजह से होती है? तो वो H2S गैस की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? H2S गैस की वजह से होती है। तो ये मुख्य रूप से हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसका फटाफट सा आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं ये कि ये भारत के अंदर कहाँ कहाँ पर ये पाई जाती है, ये जो सॉइल होती है ये इंडिया के अंदर कहाँ पर पाई जाती है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। भारत के अंदर जो ये अम्लीय सल्फेट मृदा होती है ये कहाँ पर पाई जाती है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। परिभाषा इंपॉर्टेंट है, सीधी सीधी इसके बारे में परिभाषा पूछी जाती है, ठीक है ना। उसके बाद में बात करते हैं ये भारत के अंदर कहाँ पर पाई जाती है, तो क्षेत्र की बात करें भारत के अंदर ये कहाँ पर पाई जाती है, तो ये पाई जाती है मुख्य रूप से जो हमारा केरल जो राज्य है, केरल राज्य के अंदर ये पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? केरल राज्य के अंदर इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। और जहाँ पर ये मृदा पाई जाएगी, जहाँ पर मान लीजिए केरल राज्य के अंदर ये पाई जाती है, तो वहाँ का जो क्षेत्र होगा यानी कि वहाँ की जो मिट्टी होगी, वहाँ की जो मृदा होगी, वहाँ की जो भूमि होगी, लैंड होगी, वो किस प्रकार की होगी? हल्के पीले रंग की दिखाई देगी, हल्के पीले रंग की दिखाई देगी। तो ये इसका एक गुण होता है,
कि जो हमारे अम्लीय सल्फेट जो मृदा होती है उसके अंदर अगर आयरन पायराइटिस की प्रधानता है या फिर अम्लीय सल्फेट जो मृदा होती है उसकी हम पहचान किस प्रकार से कर सकते हैं। तो उसकी पहचान करने के लिए जो अगर जहाँ कहीं पर भी ये मृदा पाई जाएगी वहाँ की जो सॉइल होगी वो किस प्रकार की दिखाई देगी हमें हल्के पीले रंग की दिखाई देगी, यानी कि हम कह सकते हैं इसका येलो रंग की दिखाई देगी, यानी कि उसके अंदर पीला पीलापन कुछ ऐसा दिखाई देगा, तो वो हमारे अम्लीय सल्फेट मृदा होगी। और जो मुख्य रूप से कहाँ पर पाई जाती है, केरल राज्य के अंदर पाई जाती है, ठीक है ना, केरल राज्य के अंदर पाई जाती है। अब हम देखते हैं इसका वर्गीकरण देखते हैं, यानी कि जो अम्लीय सल्फेट जो मृदा होती है ये कितने दो प्रकार की होती है। अम्लीय सल्फेट मृदा दो प्रकार की होती है, अम्लीय सल्फेट मृदा जो होती है वो दो प्रकार की होती है। अब वो दो प्रकार की जो होती है वो किस आधार पर होती है, तो ये हमें पता होना चाहिए। ये जो अम्लीय सल्फेट मृदा जो दो प्रकार की होती है ये किस आधार पर होती है, तो ये किस आधार पर होती है, तो ये है मुख्य रूप से अभिक्रिया के आधार पर होती है। किसके आधार पर होती है, अभिक्रिया के आधार पर होता है। अभिक्रिया किस प्रकार से होती है, तो जो वायुमंडल की जो ऑक्सीजन होती है वो अगर पूर्ण रूप से जो हमारे सल्फाइड है इसको तो उससे क्रिया कर लेती है, तो वो हमारे उसके आधार पर इसको दो 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 अलग अलग भागों में बांटा जाता है, ठीक है ना। तो कौन कौन सी होती है, तो नंबर फर्स्ट बात करें, नंबर फर्स्ट हो जाएगी हमारे पोटेंशियल एसिड सल्फेट सोइल, पोटेंशियल एसिड सल्फेट सोइल, और एक हो जाएगा हमारे एक्चुअल एसिड सल्फेट सोइल, ठीक है ना। ये दो प्रकार की होती, कौन कौन सी है, पोटेंशियल एसिड सल्फेट सोइल और एक्चुअल एसिड सल्फेट सोइल। अब ये क्या होता है, तो इनकी जो परिभाषा दी जाती है वो किसके आधार पर दी जाती है, वो इनकी परिभाषा पीएच के आधार पर दी जाती है। किसके आधार पर दी जाती है, पीएच के आधार पर दी जाती है, यानी कि ऐसी मृदा जिनका पीएच मान 4 से ज़्यादा होगा उनको हम पोटेंशियल एसिड सल्फेट सोइल के नाम से जानते हैं। ये और एक्चुअल एसिड सल्फेट सोइल क्या होती है, तो ऐसा मृदा जिनका पीएच मान 4 से कम होता है उनको हम एक्चुअल एसिड सल्फेट सोइल के नाम से जानते हैं, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इनका जो परिभाषा दी जाती है किसके आधार पर दी जाती है, जो पीएच के आधार पर दी जाती है। अब ये जो पीएच मान होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो अभिक्रिया के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि यदि मान लीजिए जो हमने मैकेनिज्म देखा था, ये हमारा फील्ड था, इस फील्ड के अंदर हमारे क्या था, जल की प्रधानता थी, अगर इसमें से कंप्लीट रूप से या फिर हम कह सकते हैं 100% जो एक्स्ट्रा जो वाटर था वो खेत से रिमूव हो जाता है, और उसके बाद में अगर हमारे ऑक्सीजन से क्रिया करता है सल्फाइड है तो क्या बनाता है, वो H2SO4 बनाता है। तो उस कंडीशन में जो इसका जो मृदा का जो पीएच मान होगा वो क्या होगा, 4 से कम होगा। क्या होगा, पीएच मान 4 से कम होगा, तब उसको तो हम क्या नाम देंगे, एक्चुअल एसिड सल्फेट सोइल नाम देंगे। लेकिन क्या होगा, मान लीजिए जो मृदा के अंदर जो जल था वो मान लीजिए यहाँ पर लगभग 100% ना निकल बाहर, 100% बाहर नहीं निकला, वो केवल 60% निकला, 60% निकला, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में भी जो हमारा जो सल्फाइड है इसके वो क्या करेगा, जल से जो सॉरी वातावरण के अंदर जो ऑक्सीजन है उससे क्रिया करेगा, ऑक्सीजन से क्रिया करने के बाद में वो क्या बनाएगा, हमारा सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। लेकिन वो जो सल्फ्यूरिक एसिड होगा वो मुख्य रूप से किस प्रकार का होगा, हमारा आंशिक रूप से उसका निर्माण होगा, यानी कि पूर्ण रूप से नहीं बनेगा, या फिर पूर्ण रूप से जो जितने भी सल्फाइड है इसके वो पूर्ण रूप से ऑक्सीजन से क्रिया नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से जो मृदा का जो पीएच होता है वो 4 से ज्यादा हो जाता है। तो उस कंडीशन में जो मृदा बनती है वो हमारे पोटेंशियल एसिड सल्फेट सोइल बनाती है, ठीक है ना। तो पीएच के मान के आधार पर इनकी परिभाषा दी जाती है, तो वो हम देख लेते हैं अब, तो किस पीएच के आधार पर दी जाती है। लेकिन पीएच के आधार पर जो दी जाती है उसके पीछे का रीजन क्या है, तो अभिक्रिया, और अभिक्रिया किस प्रकार से होती है वो मैंने आपको यहां पर बता दिया, ठीक है ना। तो अब हम इसके अंदर देख लेते हैं कि जो पीएच के मान के आधार पर दी जाती है, तो अगर जिनका पीएच मान 4 से क्या होगा, 4 से ज्यादा होगा, जिनका पीएच मान 4 से ज़्यादा होगा, तो ऐसी मृदा को हम क्या नाम देंगे, पोटेंशियल एसिड सल्फेट सोइल के नाम से जानेंगे। और ऐसी मृदा जिनका पीएच मान 4 से क्या होगा, 4 से कम होगा, 4 से कम होगा, तो ऐसी मृदा को हम एक्चुअल सल्फेट सोइल के नाम से जानेंगे, ठीक है ना। तो ये मुख्य रूप से हमें पता होना चाहिए। अब हो सकता है कि एग्जाम के अंदर सीधा सीधा प्रश्न आ जाएगी, एसिड सल्फेट सोइल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। तो एसिड सल्फेट सोइल का अगर पीएच मान की बात करें, तो एक्चुअल जो पीएच मान जो होता है या वास्तविक जो पीएच मान होता है वो 4 से कम होता है। कितना होता है, 4 से कम होता है, ये तकरीबन कितना होता है, 3.5 के आसपास होता है। पीएच मान जो होता है वो कितना होता है, 3.5 होता है, ठीक है ना। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछ लिया जाएगी अगर आपसे, ये तो पूरा हमने थ्योरी के रूप में अगर आपको लिखने के लिए दी जाएगी, अम्लीय सल्फेट मृदा क्या होती है इस पर टिप्पणी कीजिए, तो आप पूरा इस प्रकार से लिख सकते हो। लेकिन हो सकता है प्रश्न आपको घुमा फिरा कर दे दिया जाएगी,
एक्यूरेट बताइए कि जो अम्लीय सल्फेट मृदा जो होती है उसका एक्यूरेट पीएच मान कितना होता है। तो एक्यूरेट पीएच मान जो होता है वो 4 से कम होता है, वो 4 से कम कितना होता है तो वो 3.5 होता है। कितना होता है एक्यूरेट पूछा जाए तो 4 से कम हो, ऐसा प्रश्न ऑप्शन आ जाएगी 4 से कम, 4 से ज़्यादा, 4 के बराबर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, तो उस कंडीशन में आपको 4 से कम लगाना है। और अगर एक्यूरेट पूछा जाए कितना 3.5 होता है, 4.5 होता है, 4 होता है और या फिर 2 होता है, कितना होता है तो 3.5 होता है, ठीक है ना, 3.5 या फिर 3.5 से कम होता है, ठीक है ना। तो वो हमारे इर्द गिर्द इसका आसपास हमको पता चल जाएगा। तो इसका वर्गीकरण होता है, एक बार फटाफट देख लेते हैं। क्षेत्रफल की बात करें तो केरल राज्य के अंदर पाई जाती है, हल्के पीले रंग की वो दिखाई देती हैं हमें। और इसके दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से जो प्रकार होते हैं उसका आधार क्या रखा गया है, रिएक्शन के आधार पर। तो पोटेंशियल एसिड सल्फेट सोल क्या होती है, जिनका पीएच मान 4 से ज़्यादा होता है उसे हम पोटेंशियल एसिड सल्फेट सोइल के नाम से जानते हैं। और एक्चुअल एसिड सल्फेट सोइल जो होती है वो हमारे मुख्य रूप से पीएच मान जो होता है वो 4 से कम होता है, या फिर एक्चुअल पूछा जाए तो वो होता है 3.5 के आसपास होता है या उससे कम होता है, ये मुख्य रूप से हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब इसके हम देखते हैं कि अगर ऐसी मृदा होगी तो उसके अंदर हम किस प्रकार की फसल ले सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अगर ऐसी मृदा जो होगी अगर जिसके अंदर पीएच मान बहुत ही कम होता है तो उसके अंदर हम केवल एक फसल ले सकते हैं, और उस फसल का नाम हो जाएगा क्या, अगर अम्लीय सल्फेट मृदा है तो उसके अंदर हम किस प्रकार की फसल ले सकते हैं, तो उसके लिए हम कौन सी फसल ले सकते हैं, तो उसके लिए हम ले सकते हैं चावल की फसल ले सकते हैं। कौन सी फसल ले सकते हैं, चावल की फसल ले सकते हैं, जिसको हम ओराइजा सेटाइवा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ओराइजा सेटाइवा के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। कई बार वैज्ञानिक नाम भी पूछ लिया जाता है, साइंटिफिक नेम भी पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो चावल की फसल ले सकते हैं। तो अगर अम्लीय मृदा में उगने वाली जो फसलें होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, ऑक्सिलोफाइट के नाम से जानते हैं। तो हो सकता है यहाँ पर आपको ऑप्शन के रूप में ऑक्सिलोफाइट भी दे दिया जाए, तो हमें वहाँ पर घबराना नहीं है या फिर कन्फ्यूजन नहीं होना, ठीक है ना। वो मैंने आपको बता दिया कि अम्लीय मृदा में उगने वाले जितने भी वनस्पति होती है, वृक्ष होते हैं या फिर हमारी फसलें होती हैं, हम उनको ऑक्सिलोफाइट के नाम से जानते हैं, और ये कई बार एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो हम कौन सी फसल ले सकते हैं, चावल की फसल ले सकते हैं। लेकिन अब चावल की फसल जैसे हम उसके अंदर ले रहे हैं, जो हमारी एसिड सल्फेट सोइल है उसके अंदर जैसे हम चावल की फसल उगाते हैं या फिर ग्रो करवाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, चावल के अंदर एक रोग उत्पन्न हो जाता है, चावल के अंदर एक रोग या फिर हम कह सकते हैं बीमारी लग जाती है, एक बीमारी लग जाती है, और उस बीमारी का नाम क्या हो जाएगा, अंकियोची बीमारी। कौन सी बीमारी हो जाएगी, अंकियोची बीमारी। कौन सी बीमारी लग जाती है, अंकियोची बीमारी लग जाती है। यह भी इम्पोर्टेंट है कि अगर हम जब किसी मृदा का पीएच मान लगभग 4 से कम हो जाता है, उसके अंदर यदि हम चावल की कृषि करते हैं या खेती करते हैं, तो उस कंडीशन में चावल के अंदर कौन सी बीमारी या फिर रोग उत्पन्न हो जाता है, तो वो कौन से हो जाता है, अंकियोची रोग उत्पन्न हो जाता है। कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है, अंकियोची रोग उत्पन्न हो जाता है। और इसका जो प्रमुख कारण होता है वो क्या, कारण क्या होता है, तो जो मुख्य कारण होता है वो होता है H2S गैस, या जिसको हम सल्फाइड गैस के नाम, हाइड्रोजन सल्फाइड के नाम से भी जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं हम, हाइड्रोजन, इसको हम हाइड्रोजन सल्फाइड के नाम से भी इसको हम जानते हैं, ठीक है ना। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। लेकिन अब ये जो कारण क्या है इसका, हाइड्रोजन सल्फाइड है, लेकिन इसके अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड की अधिकता से होती है या कमी से होती है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो रोग होता है ये किसकी वजह से होता है, H2S की अधिकता की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, H2S की अधिकता की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, H2S की अधिकता की वजह से क्या होता है, या फिर विषाक्तता की वजह से, या फिर टॉक्सिसिटी की वजह से क्या होता है, हमारे धान के अंदर अंकियोची बीमारी उत्पन्न हो जाती है। ये मुख्य रूप से हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। और साथ ही साथ में बात करें, अगर हम जो ये हमारी अम्लीय सल्फेट जो मृदा होती है इसके अंदर हमने चावल की फसल ले रहे हैं, तो इसके साथ साथ में एक तो हमें H2S गैस की प्रधानता देखने को मिलती है, लेकिन इसके अलावा और किन किन की देखने को इसके अंदर प्रधानता देखने को मिलती है, तो वो मिलती है हमें, एक तो देखने को मिलती है इसके अंदर हमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन की, जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, एक हमें देखने को मिलता है H2S, वो मैंने बता ही दिया आपको, और एक देखने को मिलता है हमको मैग्नीज। इन तीनों की प्रधानता देखने को हमें मिलती है। तो ये मुख्य रूप से हमें पता होना चाहिए कि अगर हम धान की फसल ले रहे हैं अम्लीय सल्फेट मृदा के अंदर, तो उसके अंदर कौन सी बीमारी लगती है, किसकी वजह से होती है, और उसको हम किस नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये मुख्य रूप से उम्मीद आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम
इसका एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि ये है छोटा सा टॉपिक लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे निश्चित ही एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछ जाता है, ठीक है ना। तो अब हम इसका एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। जो हमारी अम्लीय सल्फेट जो मृदा होती है, इसको हम एक दूसरी भाषा में इसको एक नाम से और जानते हैं, वो भी देख लेते हैं हम। जो हमारी अम्लीय सल्फेट जो मृदा होती है, इसका अन्य नाम क्या होता है, इसका अन्य नाम क्या होता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जो अम्लीय सल्फेट जो मृदा होती है, इसका अन्य नाम क्या है, अम्लीय सल्फेट जो मृदा होती है, इसका अन्य नाम क्या होता है। तो इसका जो अन्य नाम की बात करें, इसका जो अन्य नाम होता है वो होता है, इसको केट मृदा के नाम से भी जाना जाता है। किस मृदा के नाम से? केट सोइल या फिर केट मृदा के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो केट जो टर्म है, ये किस भाषा का शब्द है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस भाषा का शब्द है जो केट जो शब्द है, ये किस भाषा का शब्द है? तो ये मुख्य रूप से हमारे डच भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? डच भाषा का शब्द है, ठीक है ना, डच भाषा का शब्द है, ये हमें मुख्य रूप से पता होने चाहिए। तो ये तीन बिंदु इंपॉर्टेंट है। अम्लीय सल्फेट मृदा को अन्य नाम से भी जाना जाता है, केट मृदा के नाम से भी जाना जाता है, और इसके जो केट जो शब्द है किस भाषा का शब्द है, तो ये डच भाषा का शब्द है, ये मुख्य रूप से हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसी के साथ में अब हम इसका एक बार फटाफट से रिविजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा अम्लीय सल्फेट जो मृदा होती है, ये इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो हम बात करें इसकी डेफिनेशन मुख्य रूप से, जब कभी भी मृदा के अंदर अत्यधिक मात्रा में जल होता है, और उस मृदा के अंदर यदि सल्फाइड है इसकी मात्रा मुख्य रूप से अधिक पाई जाती है, जिसमें मुख्य रूप से आयरन पायराइटिस और H2S जो होती है उनकी प्रधानता पाई जाती है। जैसे हम पानी को रिमूव करते हैं खेत से, या फिर पानी बाहर निकलता है, तो ये जो सल्फाइड अयस्क होते हैं, ये ऑक्सीजन वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करके एक अम्ल का निर्माण करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको हम गंधक का तेजाब अम्ल का राजा के नाम से जानते हैं। और उसकी वजह से जो हमारी होती है वो अम्लीय हो जाती है, और इसी पूरी प्रक्रिया को हम अम्लीय सल्फेट मृदा के नाम से जानते हैं। ये दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है जो पीएच के आधार पर बताया जाता है। अगर पीएच मान 4 से कम है तो वो हमारे एक्चुअल एसिड सल्फेट सोल हो जाएगी, और पीएच मान 4 से ज्यादा है तो वो हमारे पोटेंशियल एसिड सल्फेट सोल हो जाएगी, सॉरी पोटेंशियल एसिड सल्फेट सोल हो जाएगी, ठीक है ना। और हम बात करें इसके अंदर हम किस प्रकार की फसल ले सकते हैं, तो इसके हम अंदर मुख्य रूप से हम धान की जो फसल होती है, जो पेडी जो होती है, उसकी कल्टीवेशन आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक H2S गैस की वजह से एक मुख्य रूप से हमारे इसमें एक बीमारी होती है, और वो बीमारी का नाम है अकियोची बीमारी हो जाती है, जो H2S गैस की विषाक्तता की वजह से फिर अधिकता की वजह से होती है, ये हमें पता होना चाहिए। और ये जो एसिड सल्फेट जो सोइल होती है, वो हमारे भारत के अंदर कहाँ पर पाई जाती है, तो ये मुख्य रूप से हमारे जो केरल राज्य जो होता है वहाँ पर पाई जाती है, और इसके अंदर हमारे मुख्य रूप से हाइड्रोजन H2S व हमारे मैग्नीज तत्व की प्रधानता अधिक होती है, ये मुख्य रूप से बातें हमको पता होनी चाहिए। और साथ ही साथ में इसको डच भाषा के अंदर इसको केट मृदा के नाम से भी जाना जाता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में आज के सेशन हमारे यहीं कंप्लीट होता है। इसी के साथ में हमारे जो समस्याग्रस्त जो मृदाएँ होती है, उसके अंदर हमारे दो जो समस्याग्रस्त मृदाएँ हैं वो कंप्लीट होती है। एक तो होती है हमारे अम्लीय मृदा, और एक होती है हमारे अम्लीय सल्फेट मृदा। इसके बाद में हम नेक्स्ट सेशन के अंदर लवणीय या फिर क्षारीय दोनों प्रकार की जो मृदा होती है, उनका तुलनात्मक अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। तो उसके बाद हम उनको हम सेपरेट इनके बारे में डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है ना। अगर उम्मीद आप सभी को आज का सेशन अच्छा लगा होगा, अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के साथ में अधिक से अधिक शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।